आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इंदिरा गांधी जी को तो मैं फैन हूँ। बांग्लादेश उसी ने बनाया था, लाखों पाकिस्तानियों को समर्पण करना पड़ा। उसमें तो इतने गुण थे कि उसे लोग देवी की तरह पूजा करते हैं। इंदिरा गांधी को जैसे मारा गया या राजीव गांधी को जैसे मारा गया, सेक्रीफाइस तो उन्हीं लोगों का है। और आज मालिक और बनकर बैठ गए। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकित काला। देश के विकास के लिए गांधी परिवार के योगदान को देखते हुए देहरादून की रहने वाली 78 वर्षीय पुष्पा मुंजाल जी ने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम करने का ऐलान किया है। और ये बात सिर्फ उन्होंने कही नहीं है बल्कि इसके लिए बाकायदा वसीयतनामा भी तैयार करा है। और अगर आप रकम की बात करेंगे तो जितना हम इस खबर को जानने के बाद चौंके उतना कहीं ना कहीं आप भी चौंकेंगे। जी हाँ, ये रकम है करीबन 50 लाख रुपये की FD, 10 तोला सोना राहुल गांधी के नाम करने का फैसला लिया है। देहरादून के कोर्ट में इस संबंध में वसीयतनामा भी तैयार कर लिया। और पुष्पा मुंजाल जी की तरफ से निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के को ये जो वसीयतनामा है वो सौंप भी दिया है। राहुल गांधी के नाम ये वसीयतनामा तैयार किया गया था। हमारे साथ खुद 78 वर्षीय पुष्पा मुंजाल जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस वजह से उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राहुल गांधी के नाम करने का फैसला लिया है। पुष्पा जी, किस तरीके से आपने जो अपनी संपत्ति है वो क्यों आपने राहुल गांधी जी के नाम करने का फैसला लिया? उनका मासूमियत और उनकी सत्यवादिता को देखकर मैंने उनको अपना इसीलिए मैंने चुना। कहा कि जिस तरीके से देश के विकास के लिए गांधी परिवार ने योगदान दिया, लेकिन मौजूदा समय में तो सब गांधी परिवार को कोई मानने को राजी नहीं है, कि पीड़ा होती है आप? अगर सब नहीं है तो एक तो है। आपको गांधी परिवार की ऐसी लगती है जिसको देख के आपने इतना बड़ा निर्णय लिया कि जिस दौर में एक एक रुपए के लिए लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं, आपने अपने 50 लाख रुपए की FD 10 तोला सोना दिया दिया बच्चे, अब उसके लिए क्या बताएं क्यों दिया। आपने जो FD है वो टोटल कितनी थी, वो FD की जो रकम है उसको गिना? मैं ब्लाइंड हूँ ना, तो गिना तो नहीं है, अंदाजा नहीं है। 50 लाख की करीबन की अंदाजा तो इतनी, उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा था तब। उसमें जो सोना था वो आपने राहुल गांधी की धर्मपत्नी के लिए बना रखा था? था कि राहुल गांधी शादी करेंगे। अच्छा, इस समय राहुल गांधी ने शादी तो नहीं करी, लेकिन आपने फिर भी उनके लिए 10 तोला सोना दे दिया? हाँ, दे दिया। अच्छा, राहुल गांधी जी की आपको क्या अच्छी बातें लगती है ऐसी, जो जिस तरीके से वो भाषण देते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता होगा, तभी मैंने उसको चुना। मौजूदा समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लगातार गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। आप सही बात ये बोली तुमने, ठीक है, हाँ कोसते रहते हैं, ठीक है। देखो, अगर आप एक पड़ोस माने कोई अनजान आदमी भी है, अगर वो सीधा रास्ते में चल रहा है और दूसरा आकर के उसे पहले तो ठोकर मारेगा, फिर कहेगा देखो वो गिर गया, वो चलने लायक ही नहीं है, वो गिर गया, तो फिर ऐसे आदमी को क्या कहा जाए? वो तो ठीक चल रहे हैं, अब तुम धक्के मारोगे, वो मान लो कोई गिर भी गया तो फिर ये चिल्लाओगे देखो उसमें ताकत ही नहीं है, वो तो गिर गया। आप इस आश्रम में क्यों रहते हैं? मैं ब्लाइंड हो गई हूँ बच्चे, मैं देख नहीं सकती, अनमेरिड थी मैं ना, तो फिर मैं यहाँ पर आ गई। आपने सोचा नहीं कि इस ऐसी उम्र में आप हैं, आगे भविष्य के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने सब कुछ राहुल गांधी के नाम कर दिया? मेरी पेंशन है बच्चे, वो पेंशन में से खाकर जो बचत होती है वही राहुल को खोल दी है। ये नहीं कि मैं खाऊंगी नहीं और वो उसको दूंगी, जो खाने के बाद बचत होती है वो दी है। आप कभी मिले गांधी परिवार से, राहुल गांधी से मिले या इंदिरा गांधी? नहीं, कभी इंदिरा गांधी जी की तो मैं फैन हूँ। अच्छी लगी आपको इंदिरा गांधी जी की? देखिए तो सभी बातें अच्छी थी, क्या बात अच्छी नहीं थी। बांग्लादेश उसी ने बनाया था, लाखों पाकिस्तानियों को समर्पण करना पड़ा। उस समय लोग कहते थे भारत में अगर कोई आदमी है तो एक इंदिरा गांधी है,
आलू का जोश में क्या गुण थे, उसमें तो इतने गुण थे कि उसे लोग देवी की तरह पूजा करते हैं, जो करते हैं। आप कुछ कहेंगे जनता से कि या भारतीय जनता पार्टी से, जैसे वो गांधी परिवार को कहते हैं कि उन्होंने देश का विकास नहीं करा, आज गांधी परिवार की वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखो, जिन्हें दोष निकालना होता है ना, वो अपने को सच्चा साबित करके दूसरे को दोषी बताते हैं, तो अब उनका क्या किया जाए। बना बनाया घर तो मिल गया, सैक्रिफाइस तो उन लोगों ने किए। इंदिरा गांधी को जैसे मारा गया या राजीव गांधी को जैसे मारा गया, उन तुम लोगों को मालूम है कैसे मारा गया? सैक्रिफाइस तो उन्हीं लोगों का है, और आज मालिक और बनकर बैठ गए। वहाँ में उनसे कोई शिकायत नहीं है, वो अपने तरह का राज्य करें, और वो अपने तरह का अगर उन्होंने बहुत साल राज किया, कोई ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं किया, 70 साल से ऊपर राज किया उन्होंने, 70 से ऊपर नहीं किया, 70 से कम किया होगा, लेकिन आखिर अगर इनको वक्त मिला है राज्य करने का, तो ये राज्य को अच्छी तरह करें ना। कहते हैं हमने गरीबों को गैस सिलेंडर दिया, गरीबों को गैस सिलेंडर दिया और अमीरों को 1,000 से ऊपर गैस सिलेंडर आ रहे हैं, तो एक का जेब से पैसे निकाल के दूसरे के जेब में डाल दी, और किसी को इस बात की समझ नहीं है। बैंक में जाओ, इंटरेस्ट बुढ़ापे में हमें तो इंटरेस्ट चाहिए होता था, सबको मेरा कहीं लिखा नहीं, सभी की बात है कि इंटरेस्ट बैंक में इतना मामूली इंटरेस्ट है कि जिनकी जिंदगी इंटरेस्ट पे चलती थी, वो बेचारे तो क्या खाएंगे और क्या करेंगे। पूरे देश में फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को सब जनता जो है नकार रही है, इतने अच्छे काम करे? बच्चे नकार रही है तो वो एक लहर होती है ना, एक लहर होती है, उस लहर के हिसाब से ही लोग वोट देते हैं। वो ये देख रहे हैं ना कि हमें गैस सिलेंडर मिला, ये तो नहीं देख रहे ना कि अमीर जो मध्य वर्ग है उसको सिलेंडर जो है 1,000 से ऊपर का मिल रहा है। उन्हें ये पता है कि हमें सिलेंडर मिला, बताया तो मैं तो बोला एक की जेब से निकाल के दूसरे की जेब में डाल दें। बैंक में जाओ, बैंक में किसानों को ऋण माफ़ी करते हैं, और बैंक में जो हमारा इंटरेस्ट आता वो बिल्कुल है ही नहीं, मामूली सा इंटरेस्ट है। तो ये थी पुष्पा मुंजाल जी, जो कि 78 वर्षीय हैं, भले वो इस समय देख नहीं पा रही हैं, लेकिन इस बात को समझ रही हैं जो भी मौजूदा परिस्थितियां हैं, वो इस बात से भी दुखी हैं कि आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांधी परिवार को लगातार कोसा जाता है, देश के विकास में उनका कोई योगदान नहीं बताया जाता है, इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने हमसे बातचीत करी है। साथ ही जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया, और गांधी परिवार की अब तक के क्या कुछ योगदान रहे उस पर भी उन्होंने बात करी है। बहरहाल, अगर आपको हमारा काम पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक पहुँचते रहे। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।